आदाब, कैसी है माय टू फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे हो, क्योंकि ये वेरी टू फैमिली है, राइट। सो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स भी आए थे मेरे पास कि मैम प्लीज डेली रूटीन के लिए कोई मेकअप सेकअप शेयर कर दीजिए जो कि अफोर्डेबल हो एंड बजट फ्रेंडली हो। तो लो जी हाजिर हूं मैं आपके इसी बजट फ्रेंडली वीडियो के साथ। सो एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, मैम आपका वीडियो मेकअप सेकअप से रिलेटेड तो होता है, साथ ही साथ मोटिवेटेड भी होता है। तो थैंक यू जी, सॉरी किसको अच्छी नहीं लगती, थैंक यू सो मच। सो मैं एक चीज और आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आपको अगर और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं, अपनी जिंदगी में अभी आगे बढ़ना है मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, जी मेरा दूसरा चैनल है ना, तो वहाँ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी ही लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और आप आगे इनसे बढ़ेंगे भी। सो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, तो आज ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ क्या, रिलैक्स। सो अभी मैं बोल रही हूँ, अभी देखते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को भी अभी ऑलरेडी आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड जमकर फ्रेंड फैमिली साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आपको डेली रूटीन में आप किस तरह से मेकअप कर सकते हो, चाहे आप गर्ल्स हो, न्यूली मैरिड गर्ल्स हो, हाउस वाइफ हो, टीनेजर्स हो, एक्सेट्रा, सभी के लिए बता रही हूँ। नॉर्मल इस वीडियो हर ड्रेस पे जाएगा, कॉमन वीडियो है हर ड्रेस पे चल जाएगा। तो चलिए जी देख लेते हैं विदाउट गटरपट करते हुए इस वीडियो को, लाइक तो कर ही दिया होगा यू नो, चलिए देखते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो अभी आते हैं अपने मेकअप सेकअप के ऊपर। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, विंटर आ गया है, मीन सर्दियों ने दस्तक दे दी है हम सभी के घरों के अंदर, यार देगा ही, मौसम आएगा जाएगा ही। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक हैक ही समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी मेकअप कीजिए, कोई भी मेकअप आपका डेली वाला हो, कहीं जाना आना हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, वेडिंग हो, कोई भी मेकअप हो, आपको मॉइस्चराइज क्रीम लगानी, क्या बोलते हैं, विजुअल है, हर चीज़ में विजुअल है। अगर ये मॉइस्चराइज क्रीम नहीं लगाओगे, मेकअप केकी पेची जाएगा, मीन क्रैक आ जाएंगे, फट जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फेस का आपके, आई डोंट नो, अगर नहीं लगाओगे तो देखोगे मिरर में खुद में ही शर्म आ जाएगी। सो विजुअल है, मीन आपको आपको मॉइस्चराइज क्रीम अप्लाई करनी है। अफोर्ड नहीं कर पाते हो, सस्ती आती हो, सस्ती वाली भी ले सकते हो, जो भी हो आपके पास, जो भी अफोर्ड कर सकते हो मीन आप वो ले लीजिएगा, बट ले ज़रूर लीजिएगा। याद रखिए हर मेकअप लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स ही बता दी मैंने आपको। सो अभी लिया मैंने ये मॉइस्चराइज क्रीम, कोई भी हो आपके पास चलेगा, जो भी हो। ये डेली रूटीन वाला वीडियो है, तो फाउंडेशन बीबीसीसी क्रीम तो नहीं चलेगी, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होती है और डेली आप यूज करोगे वैसे भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो नॉर्मल सा मेकअप है तो परफेक्ट आ जाए, उसके लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले यही लगा लेते हैं। ओके जी, मैंने लगा लिया अभी मॉइस्चराइजर, और मैं बता दूँ ये है फेयर एंड लवली का सैसे, 10 रुपीज़ का, मार्केट में अच्छे से अवेलेबल है। और अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बता रही हूँ, आप इस सैसे को ले लीजिएगा, और जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि मैं सस्ता ही बताऊँ, मैं सस्ता ही बताऊँगी तो उनके लिए, और जिसके पास है तो मीन आप ये फेयर एंड लवली का यही है जो ये सैसे है, इसी का ये है ट्यूब, ठीक है, फेयर एंड लवली का है, फेयर एंड लवली मल्टी विटामिन एडवांस ग्लो डेफिनेशन। ओके, ये डेली में आप इसको यूज कर सकते हो, फेयर एंड लवली का है ये सैसे है, जो अफोर्ड कर सकते हो वो ये वाली क्रीम ले सकते हैं, नहीं तो आप 10 रुपीज़ के सैसे के साथ भी कर सकते हो। नहीं आप वो ये बोलोगे कि मैम ने बताया था सस्ता लेके बढ़ गई यूट्यूब, तो जी आप इसका यूज कीजिएगा, ये भी वही है जो ये है वही है, ठीक है। और जिसके पास ये इस तरह का इमामी का नेचुरली फेयर क्रीम है ये वाला, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, ये भी डेली यूज में ठीक रहेगा, आपका ग्लो डेफिनेशन है, और ये है फेयर एंड लवली का, और जो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको ये सच से भी ले सकते हो, जो भी हो आपके पास वो अप्लाई कीजिएगा। तो मैं अभी सच से ही लगा लेती हूँ, चाहे इससे लगा लेती हूँ, दोनों एक चीज़ है, सच से लगा लेती हूँ आपके सामने, जो आप लोगों को भी बिलीव हो जाए। हाँ सस्ता है, हाँ
हाँ जी, तो अभी के ले लिया मैंने ये क्रीम। मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई टूल यूज़ कर रही हूँ। और जिसके पास जो टूल हो तो उनका प्लीज़ यूज कीजिएगा, मैं इसलिए ये बता रही हूँ। जिसके पास नहीं होते मेन प्रोडक्ट या फिर टूल, तो उनके लिए मैं हाथों से ही ब्लेंड कर देती हूँ, जिससे कि वो भी अच्छे से ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग दे दें। ओके जी, तो कुछ इस तरह से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आप क्या करना है, आपको लेना है पाउडर। ये मैंने पाउंड से दिखाया, दूसरा मैंने दिखाया जॉनसन बेबी पाउडर। बेबी पाउडर था ये, कॉम्पैक्ट था ये, है लैक्मे का लूज पाउडर, ये कॉम्पैक्ट मैंने मेबलिन का दिखाया आपको, फेसेस का दिया। आपके पास जो भी ओमिन आप उसका यूज कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ पाउंड का पाउडर। ओके, और ये कुछ इस तरह से आपको लगाना है, जिससे कि आपका मेकअप है मीन जो आपने क्रीम लगाई है वो सेट हो जाएगी। और ये डेली रूटीन वाला मेकअप है, तो कोई तामझाम नहीं होता है, ना ही कोई करता भी है डेली डेली। तो ना ही मैं यहाँ पर कोई शैडो भी यूज करूँगी, ना ब्लश, ना ही हाइलाइटर, कुछ भी नहीं। तो मैंने आईब्रोज को सेट कर लिया, जिससे कि आईब्रो सेट हो जाती हैं तो फेस ना आपका परफेक्ट लगने लगता है। ये ले लिया मैंने काजल। काजल तो आई थिंक सभी डेली में लगा ही लेते हैं, नहीं लगाते हैं तो स्किप भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। ओके जी, और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ मस्कारा, सॉरी लाइनर लगाने जा रही हूँ। लाइनर किस लिए, जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं उनको डेली डेली में लगाना अच्छा लगता है, या फिर बहुत से लोग लगा लेते हैं, जैसे कि वर्किंग वूमेंस होती हैं उनके लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर नॉर्मली से आप डेली में मेकअप करते हो, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइनर का यूज़ करें, जो करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। और लिया अभी मैंने न्यूट लिपस्टिक, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, तो कोई यार डेली में लगाता नहीं है। सो देख लीजिए, नॉर्मल सा सिंपल सा आप फाइनल लुक देख सकते हो। इस लुक को कोई तामझाम नहीं, ईजी सा, सिंपल सा एंड प्रिटी सा लुक आपका रेडी हो गया। अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर नॉर्मल सी कोई गर्ल्स हो, तो ये आप पर परफेक्ट रहेगा। न्यूली मैरिड गर्ल्स हो जिन्हें ज़्यादा लाल पीला मेकअप पसंद नहीं होता, तो वो भी इसको कर सकते हो, नॉर्मल सा है। गर्ल्स हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, टीनेजर्स हो मीन, तो आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हो, तो इस तरह से आप इस मेकअप लुक को कर सकते हैं। एंड मैं सभी के लिए बता रही हूँ, हर ड्रेस पर ये जाएगा आपका, चाहे आप वर्किंग वूमेंस हो या फिर आप हाउस वाइफ हो। ये देखिए, आप वर्किंग वूमेंस भी इस तरह से कर सकते हो। आपका ये कॉमन सा जो मेकअप बताया मैंने, हर आउटफिट के साथ जाएगा आपका, वर्किंग हो या फिर हाउस वाइफ हो, टीनेजर्स हो, गर्ल्स हो, एवरी एवरी। तो जल्दी से लाइक कीजिएगा एंड जमकर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।